हम ये नहीं कहते कि सत्तर साल पहले भारत में विलुप्त चीतों को संरक्षित करने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे समय में जब भारत में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है चीता आया चीता आया का सबसे ज़्यादा शोर कितना जायज़ है देश में अर्थव्यवस्था का क्या हाल है ये सभी को पता है इन गंभीर मुद्दों पर चिंता करने के बदले दिल्ली से करीब 9000 किलोमीटर दूर नामाबिया से लाए गए भारत में आठ चीतों का ढोल पीटा जा रहा है इतना ही नहीं मोदी को चीता आने के बाद से देश का शोर बताया जा रहा है मूल बात तो यह है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है आज ही चीतों को भारत लाया गया साथ ही उन्हें कोनू नेशनल पार्क में रहने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया दरअसल नामाबिया से आठ चीतों को आज ही भारत लाया गया है जिनमें पाँच मादा और तीन नर चीते शामिल हैं इन्हें एक खास चार्टर प्लेन से ग्वालियर लाया गया है इसके बाद इन्हें एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए कूनू नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया जिस चीता को लेकर पिछले दो दिनों से शोर है उस प्रोजेक्ट चीता को यूपीए टू की सरकार लेकर आई थी लेकिन चीता को इंडिया लाने के प्रोजेक्ट को भी ग्लोबल इवेंट बनाने में ना तो नरेंद्र मोदी पीछे हैं और ना ही उनकी सरकार खास बात तो यह है कि आज ही मोदी का जन्मदिन भी है ऐसे में मोदी भक्त उन्हें शेर ना कहें ये कैसे हो सकता है यही वजह है कि प्रोजेक्ट चीता की आड़ में खुद को शेर बतलाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है जबकि प्रोजेक्ट चीता की हकीकत बहुत कम लोगों को पता है बेहद ही कम लोग ये जानते हैं कि जिस प्रोजेक्ट चीता को लेकर सरकार वावाही लूट रही है उस पर अमल करने की कोशिश 2009 में यूपीए की सरकार के दौरान शुरू हो गई थी भारत में चीता के विलुप्त होने के बाद 1970 में ही चीतों को देश में लाने की कोशिश शुरू हो गई थी 2008 2008-2009 में इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से काम शुरू हुआ था 14 साल पहले यूपीए 2 टू सरकार ने इस मुहिम का नाम प्रोजेक्ट चीता रखा था तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे मंजूरी दी थी मंत्रालय ने वन्यजीव विशेषज्ञ एम के रंजीत सिंह एक अमेरिकी अनुवंशिक वैज्ञानिक स्टीफेन ओ और सी के लारी मार्कर से विचार विमर्श करने के बाद 2010 में नामबिया से 18 चीतों को मंगवाने का प्रस्ताव किया था उसी साल तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर भी गए थे चीतों को भारत लाने की पूरी तैयारी थी चीता को इंडिया में रखने के लिए 2010 और 2012 के बीच 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नए चीतों को लाकर रखने के लिए तैयार माना गया कोना संरक्षित क्षेत्र में एशियाई शेरों को लाने के लिए भी काफ़ी काम किया गया था पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए खर्च कर चीतों को बसाने की योजना को औपचारिक रूप दे दिया था लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी करीब सात साल बाद साल 2020 में कोर्ट ने इस पर से रोक हटाया था 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों तक सीमित हो गई थी राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों का आयात करना शुरू कर दिया 1918 1918-1945 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद भारतीय चीतों की संख्या कम होने के साथ साथ इन्हें किए जाने वाले शिकार का चलन भी लगभग खत्म हो गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्या भानु सिंह की किताब द एंड ऑफ द ट्रेल द चीता इन इंडिया की माने तो साल पंद्रह से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के पास करीब 1000 चीते थे अकबर इन चीतों का इस्तेमाल काले हिरण और चिकारे के शिकार के लिए किया करता था अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला के परगना में चीते के जरिए 400 से अधिक मृग पकड़े थे शिकार के लिए चीतों को पकड़ के और कैद में रखने के कारण प्रजनन में आने वाली दिक्कतों के चलते इनकी आबादी में गिरावट आई किताब में यह भी कहा गया कि भारत में चीतों को पकड़ने में अंग्रेज़ों की बहुत कम दिलचस्पी थी उन्नीस में सरगुजा छत्तीसगढ़ के महाराजा ने भारत के आखिरी तीन एशियाई चीतों को मार डाला था उन्नीस में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश के चीतों को विलुप्त होने की घोषणा की थी उन्नीस में वन्य जीव बोर्ड की पहली बैठक में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने मध्य भारत में चीतों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए इनके संरक्षण के लिए साहसिक प्रयोगों का सुझाव दिया था 1970 के दशक में जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस दौरान एशियाई शेरों के बदले में एशियाई चीतों को भारत लाने के लिए ईरान के शाह के साथ बातचीत शुरू हुई ईरान में एशियाई चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों के साथ इनकी आनुवंशिक समानता को ध्यान में रखते हुए भारत में अफ्रीकी चीते लाने का फ़ैसला किया गया था प्रोजेक्ट चीता के उसी मुहिम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक हटने के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में आगे बढ़ाया गया और नामाबिया से लाए गए आठ चीतों को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित नेशनल पार्क में छोड़ दिया एक विशेष मालवाहक विवान इन चीतों को लेकर सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुँचे इन बिग कैट्स चीतों को दो हेलीकॉप्टरों से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में उनके नए घर कूनो नेशनल पार्क में भेजा गया अब 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो पालपुर नेशनल पार्क आठ अफ्रीकी चीतों का नया घर बन जाएगा यह जा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरिया के साल जंगलों से मिलता जुलता है जनज्वार जनता की मिली